यकीन रखें सारी दुनिया भी जोर लगाए तो अहमदियों को मस्जिद से महरूम नहीं कर सकता कर सकती, क्योंकि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खुदा ने मेरे लिए सारी ज़मीन को मस्जिद बना दिया। अब लगा लें जोर। अहमदियों से पहले भी जब भी मस्जिद छीनने की कोशिश की गई या छीनी गई तो खुदा ने उसके बदले हमें सैकड़ों हज़ारों मसाजिद अता फरमाई है। अब मसाजिद की बातें हो रही हैं तो एक ऐसी खबर जिससे जमात को तकलीफ पहुंची है और पहुंचेगी जो सुनेंगे वो आपके सामने बयान करता हूं और दुआ की तरफ मुतवज्जे करता हूं। मस्जिद अहमदिया दुलमयाल वो मस्जिद है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने ही से जमात अहमदिया के कब्ज़े में रही है, क्योंकि वो सहाबी जिन्होंने हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को कबूल किया वो वही नमाजी थे जो इस मस्जिद के नमाजी थे, और उनके इमाम भी साथ ही अहमदी हो गए। बस पूरी की पूरी मस्जिद अपने नमाजियों समेत अहमदी हुई और 100 साल से ज़ायद अरसे से ये हमारे पास चली आ रही थी। इस साल शुरू में जनवरी में वहाँ मौलवियों ने शरारत शुरू की और एक सिविल जज की अदालत में ये मुकदमा दायर किया गया कि इस मस्जिद में अहमदियों का दाखला बंद किया जाए क्योंकि ये अहमदियों की मस्जिद नहीं, जब ये तामीर हुई थी तो 100 साल पहले गैर अहमदियों ने तामीर की थी। अव्वल तो इतनी अहमकाना बात, उस सिविल जज को इतनी सी बात तो दिखाई देनी चाहिए थी, 100 साल से इनके कब्ज़े में चली आ रही है, अब इनको क्या सूझी है? अगर मुकदमा करना था तो उस वक्त करते, लेकिन ज़ियाउल हक के ऑर्डिनेंस से भी फ़ायदा उठाना था तो उसको भी तो मुद्दत गुजर चुकी। आज कौन सी नई बात हुई है कि इस मस्जिद को अहमदियों से खाली करवाया जाए? अगर ऑर्डिनेंस का उजर ढूंढते हैं तो ऑर्डिनेंस को आए हुए तो लंबा अरसा गुजर गया, किसने मुकदमा किया? किसी एक ने भी मुकदमा नहीं किया, मगर मिली भगत हुई है और ऐसी जाहिलाना शरारत है कि अक्ल शरारत पर लानत डालती है। जब मुकदमा हुआ तो जज साहब ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिस पर वहाँ की जमात ने और हमारे वकला वगैरह ने इस बात पर मुझे इत्मीनान दिलाने की कोशिश की कि जज पहले तो मुखालिफ हुआ करते थे, अब कुछ ठीक हो रहे हैं। मैंने उस पर जवाबन उनको लिखा कि आपको ठीक दिखाई दे रहे हैं, मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आखिर पे गड़बड़ कर जानी है कोई ना कोई, लेकिन खुशफहमी के शिकार लोग उसी तरह रहे कि हाँ जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। और अचानक किस तारीख को इन्होंने, मैं बताता हूँ, 30 जून को इन साहब ने हमारे खिलाफ फैसला जारी कर दिया और कहा कि अहमदी मसूल अलैहिम मस्जिद में दाखिल ना हो और नमाजें अदा न करें। और इस फैसले से 4 दिन पहले गैर अहमदियों की मस्जिद के इमाम ने ये फैसला लोगों को सुना दिया। अब जहां अदालतों का ये हाल हो, तकवा से आरी फैसले हों, वो अगर नमाजी वहां जाएंगे भी तो उस मस्जिद को सवाए इसके कि वीरान से वीरान तर कर दें, अपनी वीरानियां साथ लेकर जाएं और अहमदियों के खला से जो वीरानी पैदा होगी उसको और भी ज़्यादा वीरान बना दें, और क्या हासिल हो सकता है? मगर मैं आपको जमात को मुतल करता हूं कि जो कोशिशें हैं जमात की तरफ से वो तो होंगी, मगर अहमदियों को मस्जिद से कोई महरूम नहीं कर सकता। ये यकीन रखें सारी दुनिया भी जोर लगाए तो अहमदियों को मस्जिद से महरूम नहीं कर सकता कर सकती, क्योंकि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खुदा ने मेरे लिए सारी ज़मीन को मस्जिद बना दिया। अब लगा लें जोर। मैंने उनको कहला के भिजवाया कि गलियों में नमाजें पढ़ो, तुमने दिखावा तो नहीं करना, खुदा की खातिर नमाजें पढ़नी है तो गलियों में नमाजें पढ़ो और खुदा को पुकारो कि तेरे रसूल ने हमें बताया था कि ये तुम्हारे लिए मस्जिद बना दी गई है, और फिर देखो कि खुदा ताला इन कोशिशों में कैसी बरकत डालता है। अहमदियों से पहले भी जब भी मस्जिद छीनने की कोशिश की गई या छीनी गई
तो खुदा ने उसके बदले हमें सैकड़ों हजारों मसाजिद अता फरमाई। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से नामूस रसालत और ख़त्म नबूवत के नाम पर पाकिस्तान में अब चंद दिन पहले, 4 दिन पहले था ये दुलमियाल में उबाशों और मौलियों ने जमा होकर जुलूस निकाला, मस्जिद पर हमारी वहाँ हमला किया। मस्जिद के अंदर अहमदी थे, अहमदियों ने आने नहीं दिया अंदर, दरवाज़े बंद थे, लेकिन पुलिस के कहने पर जब अहमदियों ने दरवाज़े खोले और इस ज़मानत पर पुलिस की दरवाज़े खोले कि वो मस्जिद की हिफाजत करेंगे, उस वक्त ये बुलवाई मस्जिद में दाखिल हो गए और पुलिस एक तरफ हो गई और फिर इन्होंने मस्जिद का सामान बाहर निकाल कर जलाया और यूँ उन्होंने अपने ज़ोम में इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत की। बहरहाल हमने कानून से नहीं लड़ना, ना हम लड़ते हैं। जहाँ तक मादी चीज़ों का सवाल है हमें उसकी कोई परवाह नहीं, ठीक है, नुकसान किया कर दें। हाँ, अपने अकीदे और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान लाने का और तौहीद के को अपने दिलों में गाड़ने का जहाँ तक सवाल है, हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन इससे हटने वाले नहीं। लेकिन हमेशा हम यही कहते आए हैं और इसकी खातिर कुर्बानियाँ भी देते आए हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऐलान से हम पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तानी मौलवी हो या कोई मजहबी लीडर हो या दुनियावी ताकतें हों, अल्लाह ताला के नज़दीक उनकी कोई हैसियत नहीं, वो भेड़ों जैसे लोग हैं और ये लोग कभी भी अहमदियत की तरक्की में रोक नहीं बन सकते। लेकिन इसके लिए सिर्फ हम अपने मुबल्लिगों पर इंतज़ार नहीं कर सकते कि वो तबलीग करें और अहमदियत को फैलाएं। अगर इस तरक्की का हिस्सा बनना है और हमें बनना चाहिए, तो हमें भी अपनी दुआओं की तरफ अपनी तवज्जो फेरनी होगी, अपनी रूहानियत को बढ़ाना होगा, अल्तलुक बिल्ला को बढ़ाना होगा, ये पैदा करना होगा। और यही चीज़ें हैं जो अहमदियत की मुखालफत को भी ख़त्म करेंगी और अहमदियत की तरक्की में भी हमें इंशा अल्लाह हिस्सादार बनाने वाली होंगी। अल्लाह ताला हमें ये मुकाम अता फरमाए। सर किबरे नमरूद का, किबरे नमरूद का है अजल से ये तकदीर नमरूदियत, आप ही आग में अपनी जल जाएगी। है अजल से ये तकदीर नमरूदियत, आप ही आग में अपनी जल जाएगी।
दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, आफते जुल्मतों जोर टल जाएगी, आफते जुल्मतों जोर टल जाएगी। ये दुआ ही कथा मौजज़ा के ऐसा साहिरों के मुकाबिल बना अजदहा, साहिरों के मुकाबिल बना अजदहा। ये दुआ ही कथा मौजज़ा के ऐसा साहिरों के मुकाबिल बना अजदहा, साहिरों के मुकाबिल बना अजदहा। आज भी देखना मर्दे हक की दुआ शहर की नागिनों को निगल जाएगी, आज भी देखना मर्दे हक की दुआ शहर की नागिनों को निगल जाएगी, शहर की नागिनों को निगल जाएगी। हो शहीदान उम्मत का कम नजर रायगा कब गया था के अब जाएगा, रायगा कब गया था के अब जाएगा। हूँ शहीदान उम्मत का कम नजर रायगा कब गया था के अब जाएगा, रायगा कब गया था के अब जाएगा। शहादत तेरे देखते देखते फूल फल लाएगी, फूल फल जाएगी। हर शहादत तेरे देखते देखते फूल फल लाएगी, फूल फल जाएगी, फूल फल लाएगी, फूल फल जाएगी। है तेरे पास क्या गालियों के सिवा, साथ मेरे है ताई दरबुल बरा, साथ मेरे है ताई दरबुल बरा। है तेरे पास क्या गालियों के सिवा, साथ मेरे है ताई दरबुल बरा, साथ मेरे है ताई दरबुल बरा। चली थी जो लेखों पे तेरी दुआ, आज भी इज्न होगा तो चल जाए। आपने कब्जा जिस तरह लिया, मैं तो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खाली कर दे, फिर मेरे हाथ में आप करेंगे क्या आज भी। मैं चाह रहा हूँ आप मुझे नहीं, मेरी बात नहीं, ये वक्त आ गया आपकी बातें सब सुन, आपने मुझे बातें रोल जाए रखा, किसी से लड़कों ने चले जाए जाए भाई जाए, इधर तो आए। आफते जुल्मतों जोर टल जाएगी, आह मोमिन से टकरा के तूफान का रुख पलट जाएगा, रुत बदल जाएगी, रुख पलट जाएगा।